डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने मैथ्स को एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बुक से 5.3 को पढ़ रहे थे, जो एक एपी का चैप्टर था, दैट इज समांतर श्रेणी। ठीक है, अब समांतर श्रेणी वाले चैप्टर में हम लोगों ने 5.1, 5.2 और 5.3 को अच्छे तरीके से पढ़ा। एक और एक्सरसाइज था वहां पे 5.4, जो ऐच्छिक के अंतर्गत लिखा हुआ था, उसके अंतर्गत के क्वेश्चंस थे। तो हमारे पास वैसे भी मजबूरी की अवस्था है कि ऐच्छिक के प्रश्न को खासकर करके, और हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहला तो बात यह बोलता है कि ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं दिया गया है और नहीं आता है क्वेश्चन इससे, यानी कि हर चैप्टर के अंत में एक ऐच्छिक करके दिया हुआ रहता है क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये नहीं आता है क्वेश्चंस में तो हम इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं, इसके पीछे का एक और भी कारण है, क्योंकि अभी हम लोग लॉकडाउन में कब तक रहेंगे भी कोई पता नहीं है। तो आप सोचो, आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऐसा परसेंटेज की चांस है कि ये पूछने वाला ही नहीं है, तो हम उसको पढ़कर एक तो हम लोग और पीछे हो गए, तो और जो उसको पढ़कर भी हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला, तो उसमें टाइम वेस्ट हम लोग झूठ का करेंगे। इससे बेहतर है हम लोग एक नए चैप्टर की ओर चलते हैं, वो ज्यादा हम लोगों के लिए सूटेबल है, ज्यादा हम लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है, अगर अन्यथा हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आपको ये परीक्षा में नहीं पूछेगा तो नहीं पढ़ा रहे, दैट इज अ नेगेटिव थिंकिंग, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं वो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, रियलिटी ये है। तो जब भी क्लास में हम लोगों की डिस्कस होती, टाइम इज ओवर, बहुत सॉरी टाइम एनफ रहता, काफी समय रहता, तो हम लोग इन चीजों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, हम लोग पढ़ते, क्योंकि देखो कोई भी चीजें अब एग्जाम में नहीं आएगी तो क्या उसको छोड़ देना भी तो सही नहीं है ना, क्योंकि अपने अंदर का डेवलप हम लोग पढ़ते क्यों है, क्या हम लोग सभी चीजें जो पढ़ते हैं वो क्या एग्जाम में आ ही जाता है क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हमेशा जो पढ़ते हैं ना, वो अपने अंदर की स्किल को डेवलप करने के लिए, अपने अंदर की सोच को बढ़ाने के लिए, चीजों को समझने के लिए, समझदारी लाने के लिए चीजों को पढ़ते हैं, कैलकुलेशन फास्ट होने के लिए पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग का भी जो हर एनसीईआरटी के सवाल के पीछे एक ऐच्छिक करके जो एक्सरसाइज मिलेगा, फिलहाल हम उसको निगलेक्ट करते जाएंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं बचा हुआ है, और मेरा ये मानना है कि जितना टाइम बचा है उतना ही में हम लोगों को अब कवर भी करना है। तो अगर ऐच्छिक वाले में हम लोग फंसे रह जाएंगे दोस्तों, तो कन्फर्म होगा नहीं, जो सवाल हम लोगों को आने वाली होगी, जो सवाल हमसे बन सकता है वो आप छूट जाएगा आपसे। इसलिए एपी में जो हम लोग 5.3 तक के क्वेश्चंस को पढ़े, दैट इज एनफ, काफी है। आप अगर हम जितना चीजें पढ़ा रहे हैं ना दोस्त, आप भरोसा करो जितना चीज हम पढ़ा रहे हैं, जितना चीज को आपको सिखा रहे ना, डेफिनेटली उससे बाहर कभी भी नहीं आएगा। तो मिलना मेरे से, और वही नहीं, जब रिवीजन स्टार्ट होगी तो भी मिलना, आपके क्वेश्चंस बैंक के क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस को आपको हम करवाएंगे, तो आपको खुद से रियलाइज होने लगेगा कि रियलिटी क्या है। ठीक है, तो आप भरोसा रखो, आप ऐसा नहीं नेगेटिव सोचो कि सर लगता है ना कि आग नहीं रहा है ना, ठीक तो टाल रहे हैं या फिर मतलब जैसे तैसे, तो ऐसा नहीं है यार, और ये सोचते हो तो फिर यू आर नेगेटिव थिंकिंग, है ना। तो मेरी ये सोच है कि जो एक्सरसाइज है, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। तो पांचवा जो एक्सरसाइज था, जो इसको हम लोग समांतर श्रेणी बोल रहे थे, जिसको शॉर्ट में एपी भी बोल रहे थे, एपी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी इज द शॉर्ट फॉर्म, एपी किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म हुआ अर्थमेटिक F4P4 प्रोग्रेशन। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लिया है, और उतनी चीजें काफी है सीखने के लिए, समझने के लिए, और एग्जाम्स के लिए भी। तो अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं, जिसका नाम है छठवें चैप्टर। देखो भाई, अब छठवां चैप्टर जो अगले चैप्टर का नाम है
वो है त्रिभुज, वो है त्रिभुज। और ये त्रिभुज के बारे में हम लोग जानते हैं ना, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजाएं तीन कोण हो गई, और उसके आधार भी बहुत सारे हैं कि किसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलेंगे, किसको समद्विबाहु बाहु बोलते हैं और किसको समबाहु बोलते हैं, है ना। तो बहुत तरह की त्रिभुज हैं, लेकिन वो चीजें ज्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं, हम लोग को ज्यादा पढ़ना है उसके प्रमेय को, और उसके प्रमेय को सिद्ध करना है, जैसे कि नाइन्थ क्लास में आप कुछ पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रूफ करने वाला है, ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पावर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज वाले में प्रमेय ज्यादा है और ज्यादा चीजों को सिद्ध करने का सवाल है, तो इसको हम लोग लास्ट में या फिर लॉकडाउन जब खुलेगा तो क्लास में जरूरी समझे हैं इसको करना, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, सर आपने यहाँ पे ना साइड 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 क्यों लगाया है, यानी कि सर्वांगक्षम करने के लिए आ सकता है, समरूप करने के लिए आ सकता है, जो आपने नाइन्थ क्लास में कहीं ना कहीं सीखा है, नाम सुना है, ठीक है। तो देखो अब ये छठा चैप्टर त्रिभुज जो शुरू करेंगे हम, तो हम एज अ टीचर को ये हो सकता है कि भाई तेरे को तो मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया था, अब तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, अब सवाल ये खत्म हो गया ना, ये चैप्टर खत्म हो गया ना, सवाल वाल नहीं पूछना है। लेकिन दोस्तों हम वैसे ही चैप्टर को पढ़ा रहे हैं ताकि इस लॉकडाउन की स्थिति में जो हम ऑनलाइन क्लास के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं आपके लिए, हम वैसा चैप्टर को पढ़ा रहे हैं जो यहां से पढ़ाने के बाद कहीं आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। कुछ चैप्टर है ऐसे जिसको हम सिर्फ आपको हिंट्स दे दिए, आप ईमानदारी से बोलो यार, हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, द्विघात समीकरण पढ़ाया आपको, आपको अभी एपी पढ़ाया पूरा फुल डिटेल्स थ्योरी के साथ, कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ, ईमानदारी से बोलना, नहीं। क्योंकि वो ऐसे चैप्टर थे जिसको हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम अच्छे से अच्छे तरीके से अगर अपने छात्रों को स्टूडेंट्स को दोस्तों को अगर बता दिया वो कभी नहीं भूलेगा, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना होगा कभी, क्योंकि अब हम ऐसा गारंटी नहीं लेते हैं कि आपको एक टैबलेट की तरह हम दवा खिला दिए और आपको फटाफट याद हो गया, लेकिन हम अपने आप पे दोस्तों भरोसा करते हैं कि अगर मेरे से तुम नहीं सीखा, नहीं कहीं सीख सकता है, इतना हम अपने आप पर भरोसा कह के बोल रहे हैं। क्योंकि हम जो समझाते हैं, हम जो चीजों को एक्सप्लेन करते हैं ना, हमको ऐसा अंदर से फीलिंग आता ही नहीं है कि इसको कैसे समझाया जाए कि आप उसको समझ जाओ, बस हम इसके लिए काम करते हैं, उसका क्या आइडिया हो सकता है, उसको समझाने के लिए हम कौन से किस हद तक जा सकते हैं, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो मैथ्स पढ़ा रहे हो, चाहे वो साइंस पढ़ा रहे हो, चाहे अदर सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी दिस योर थिंकिंग विल बी हायर। और वो कैसे होगा, जब हम उन चीजों को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दें। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर उसके अगले जस्ट चैप्टर अगर त्रिभुज को अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए ठीक होगा, क्योंकि हम क्लास में आने वाले बोल सकते हैं तेरे को तो मैंने त्रिभुज पढ़ा दिया। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हर कदम कदम पे प्रॉब्लम होगा, और जब प्रॉब्लम होगा तो ये ऑनलाइन की स्थिति में आप उतना पूछ नहीं सकते हो, और हम भी मजबूरन की अवस्था में है। मेरी भी एक चाह है कि यूट्यूब पे भी हम भी लाइव वीडियो लेकर आए, लेकिन दोस्तों उसके लिए हम अभी पिछड़ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, ये यूट्यूबर की एक कंडीशन होती है, तो हम लाइव आपके लिए नहीं ला सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जब तक लाइव क्लास चलेगी नहीं तो आपका प्रॉब्लम होगा, तो फिर दिक्कतें हैं, कई बार आप सवाल पूछते हो मेरे से, हमें भी वीडियो शूट करना पड़ता है, फिर अपलोडिंग करना पड़ता है, तो हम भी दिन भर बिजी रहते हैं एक्चुअली, सिर्फ आपके लिए, आप काम कर रहे हो, हम काम कर रहे हैं, और फिर आपका बीच में प्रॉब्लम आ जाता है, तो हो सकता है हम उस टाइम पे आपका हेल्प नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक ऑनलाइन लाइव क्लासेस का मतलब है कि आपके स्क्रीन पर हम देखेंगे कोई स्टूडेंट है जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आप मैसेज करोगे सर आप यहाँ पे ऐसा क्यों किया, मैंने उस मैसेज को देखा और फटाफट तुरंत करा दिया। लेकिन दोस्तों इसके लिए भी एक कंडीशन होती है यूट्यूब पे कि 1000 अगर सब्सक्राइबर हो गए
तभी आप लाइव क्लास लेकर आ सकते हो। आप लाइव, लाइव का मतलब ये हुआ कि आप ऑटोमेटिक, इतना टाइम से शुरू हुआ तो हम यहाँ उतना ही टाइम से पढ़ा रहे होते हैं और हम वहां पे पढ़ाते रहेंगे। और मेरे को लगता है कि हाँ अब टाइम ओवर हो गया क्लास का, हम स्टॉप करेंगे, आपका भी वीडियो स्टॉप हो जाएगा, लेकिन वो बाद में भी चल सकता है, यूट्यूब पे अपने आप अपलोड हो जाता है। तो ये कंडीशन होता है। तो एक रिक्वेस्ट भी है आपसे कि अगर मतलब पता नहीं लॉकडाउन कब रहता है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अपने दोस्तों साथियों और पेरेंट्स से या फिर कोई भी रिलेशनशिप में हम लोग लाइव क्लास आने के लिए थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट करो कि मेरा ये जो चैनल है जल्दी ग्रोथ हो जाए और 1000 सब्सक्राइबर के आसपास पहुंच जाए हम लोग, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग लाइव क्लास चला सके। तो ये आपके साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो आप समझ पा रहे हैं हर चीजों को कि हम त्रिभुज वाले जो चैप्टर है उसको अभी रोक के रखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको समझने में। हम देखिए, कोई भी टीचर, एज अ हम हो चाहे कोई भी हो, कोई भी चाहता है कि अपने आप से अंदर से हर चीज को निकालने का प्रयास करे, समझाने का प्रयास करे, लेकिन दोस्तों ऐसा है ना कि आपके अंदर कुछ ना कुछ बातें रह जाती है जो आपका डाउट्स क्लियर नहीं हो पाता है। तो वही इस चैप्टर में भी आपके साथ हो सकता है। तो इसलिए अभी हम लोग छठवां चैप्टर को रोक के रखते हैं। अब उसके जस्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज नंबर 7। हम ऐसा नहीं बोल रहे छठा चैप्टर खत्म, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी रोका हुआ है उस चैप्टर को। चलिए, तो अगले जो चैप्टर है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, और दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज अ सिंपल चैप्टर, एंड यू आर नो सिंपली एंड एक्सप्लेन यू आर करेक्टली। तो कहने का मतलब कि ये बहुत ही आसान चैप्टर है जिसको आप सही सही ढंग से करेक्टली के रूप से, करेक्ट रूप से आप चीजों को समझ सकते हो। तो इसका नाम है, हम लोग देख लेते हैं, निर्देशांक, निर्देशांक ज्यामिति। देख लीजिएगा ज्यामिति है, ज्यामिति है, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो आपके एनसीईआरटी के बुक से सातवें नंबर चैप्टर में है, सातवें नंबर चैप्टर में है। अब इस चैप्टर में हम लोगों को क्या मिलेगा वो समझना है सबसे पहले, क्योंकि मेरा ये बिल्कुल बिहेवियर नहीं है। बहुत सारे टीचर होंगे ऐसे, या फिर आपके साथ भी हुआ होगा, सातवां चैप्टर शुरू हुआ ना भाई, निकालो फटाफट एक्सरसाइज 7.1, 7.1 निकालो, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, पढ़ा सवाल देखो, इसमें जोड़ कर देना है, इसमें रूट अंडर ऐसे ऐसे कर देना है, आंसर आ गया, तुम खुश भी हो जाते हो क्योंकि आपका आंसर मिल जाता है। आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, आप ऐसा बिहेवियर मत रखो यार। आप ऐसा करते हो, आपका आंसर आ गया, आप खुश हो जाते हो, फिर आप तो याद रख लेते हो ना कि ऐसे सवाल रहता है ना, इसमें ऐसे करके ऐसे करते हैं, आपने तो याद रख लिया, अब कितनी को याद रखोगे। इसलिए मेरा ये मानना रहता है, कोई भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, कोई भी एक्सरसाइज हो, आप सबसे पहले हम जो करते हैं उसके पहले की चीजों को, जो फार्मूला होता है, जो उस पर एग्जाम्पल हो सकता है, हम उसको करवाते हैं, ताकि आने वाले जो क्वेश्चन में उस तरीके का क्वेश्चन मिले, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो उसी तरीके से हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं जरा ये समझेंगे। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक का मतलब समझते हैं कि ये निर्देशांक क्या होता है। तो निर्देशांक का मतलब होता है लोकेशन, क्या होता है, लोकेशन। अब लोकेशन का मतलब क्या होता है, अभी आप ऑनलाइन में गूगल मैप पे सर्च करते हो तो लोकेशन बताता है ना, अगर मेरे को जाना है औरंगाबाद रमेश चौक के पास, आप रमेश चौक औरंगाबाद डालोगे, पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन से जाना है, कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, किस रास्ते से आप चलेंगे, कितना मीटर की दूरी पे है,
है ना, ऐसा होता है। तो सिंपली निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग लोकेशन सीखते हैं, दूरी सीखते हैं कि कितना दूर है। अब निर्देशांक का मतलब भी होता है। सबसे पहले निर्देशांक को समझने के लिए हम लोगों को अक्ष की जरूरत होती है। अब वो अक्ष का नाम क्या है, तो आप जानते होंगे ग्राफ में एक्स अक्ष भी होता है और वाई अक्ष भी होता है। ग्राफ में दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष एंड वाई अक्ष। तो अगर हम बात करें एक्स अक्ष और वाई अक्ष का, तो आप देख पा रहे होंगे ये दो अक्ष यहां पे हैं, ठीक है। ये ग्राफ में आप बनाते हो ना, आप जरूर इन चीजों को बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले चीज कि ये इसको हम लोग बोलते हैं x, तो इसको बोलते हैं x डैश, ऊपर वाले को y बोलते हैं, नीचे वाले को y डैश बोलते हैं। पक्की जी, पक्की बात। अब दोनों एक्सिस जहां पे भी कट करते हो, ध्यान से सुनिएगा, दोनों अक्ष यानी कि ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, खड़ा लाइन को वाई अक्ष बोलते हैं। अब मान लिया कि ये यहां पे कट कर रहा है, यहां पे भी कट कर सकता है, यहां पे भी ऐसे कट कर सकता है, यहां पे भी कट कर सकता है। हम लोग एक्चुअली बीच में बनाते हैं, ग्राफ में बीचों बीच बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आज से आपको जानना चाहिए कि हम लोग कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को लंबवत कट होना चाहिए, लंबवत काटना चाहिए 90 डिग्री पे। ये रहा एक्स अक्ष, ये रहा वाई अक्ष। अब ये वाई अक्ष यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, लेकिन 90, और किनारे भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं वो ग्राफ में बिल्कुल बीचों बीच यूज करते हैं ना, राइट। चलिए तो दोस्तों, आपको ये आज पता होना चाहिए कि जब दो अक्ष यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जब दो अक्ष दोनों जिस बिंदु पे कट करते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है। यानी कि मूल बिंदु क्या होता है, तो जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों जिस बिंदु पर कटते हैं, दोनों जिस बिंदु पर कटते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं, उसको मूल बिंदु कहा जाता है। तो यहां पे देख पा रहे होंगे कि किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं दोनों, तो दोनों कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे दोस्तों, इसीलिए इसको नाम देते हैं हम लोग मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु। अच्छा, मूल बिंदु को अंग्रेजी में हम लोग ओरिजिन भी बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। अब रहा बात कि मूल बिंदु का मतलब कहां हुआ, जैसे कि हम लोग बात करते हैं फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन वाले चैप्टर में कि सभी दूरियां दर्पण में कहां से मापी जाती है, आप अभी भी बोलेंगे ध्रुव से। लेकिन अगर हम ये पूछते हैं कि लेंस में सभी दूरियां कहां से मापते हैं, आप बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र से। दैट इज अ करेक्ट आंसर, राइट आंसर। तो उसी तरीके से जरा हम लोगों को इस अक्ष के बारे में यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफ को प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो यहां होता है जीरो, ठीक है, यहां होता है वन, यहां होता है टू, यहां होता है थ्री, फोर, आगे बढ़ता है और इसके आगे होता है माइनस, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, होता है ना, राइट। उसी के जैसा ऊपर होता है वन, टू, थ्री, फोर और नीचे होता है माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। दोस्तों ऐसा तो आप ग्राफ में नाइन्थ क्लास में बनाए होंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि यहां जीरो नहीं भी आप लिखते हैं तब पर भी तो आप यहां एक से शुरू कर रहे हैं, दो तीन चार, यहां एक दो तीन चार, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार,
-1, -2, -3 मान। यानी कि जैसे आप फिजिक्स में, आप दर्पण में या लेंस में, ये आप याद किए हुए हैं कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है और लेंस में सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। ठीक वैसे ही दोस्तों, हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि किसी भी ग्राफ में या फिर एक्स अक्ष और वाई अक्ष में सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती है। ध्यान रहे हम क्या बोलने वाले हैं यहां पे। ठीक उसी तरीके से आपको ये याद रख लेना चाहिए कि जितना भी ग्राफ में जो दूरियां मापते हैं वो कहां से मापा जाता है, मूल बिंदु से मापा जाता है। ठीक है, मूल बिंदु। और यही इसीलिए मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0, 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक का मतलब, निर्देशांक हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है दोस्तों, ये 0, 0 पढ़ते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0, 0। अब 0, 0 में जो कॉमा के पहले आता है वो होता है एक्स का मान, और जो कॉमा के बाद आता है वो हो जाता है वाई का मान। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं अपना। हम क्या बोले कि मूल बिंदु किसको कहते हैं, तो जो दोनों अक्ष आपस में जिस बिंदु पर कटते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं, वो कहलाता है मूल बिंदु। लेकिन मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। और 0, 0 कहने का मतलब, 0, 0 कहने का मतलब कि जो सबसे पहले आएगा वो हो जाएगा एक्स, और जो बाद में आएगा उसको बोलते हैं वाई। तो आप इन फिगर को बना लीजिए सबसे पहले, और उसके बाद एक और चीज हम लोग सीखेंगे कि एक्स अक्ष में जो सभी दूरियां होती है, जैसे एक्स में हम लोग 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया एक्स में, तब हम उसको एक्स निर्देशांक कहते हैं। अगर यही चीजें वाई अक्ष में लिया जाता तो वाई निर्देशांक कहलाएगा। तो सबसे पहले इस ग्राफ के नीचे लिखेंगे कुछ पॉइंट्स। तो सबसे पहले पॉइंट लिखा जाए, हम बोलते हैं लिखा जाए ग्राफ में एक्स अक्ष और वाई अक्ष ग्राफ में एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं या जिस बिंदु पर मिलते हैं या जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं या जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उन्हें या उसे उसे सॉरी उसे मूल बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, नेक्स्ट एरो उसके नीचे मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां, एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां एक्स निर्देशांक कहलाता है। एक्स निर्देशांक ऐसे, एक्स निर्देशांक कहलाता है। तथा वाई अक्ष के अनुदिश,
वाई अक्ष के अनुदिश तय की गई दूरियां, तय की गई दूरियां वाई निर्देशांक कहलाता है, वाई निर्देशांक कहलाता है। फिर उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे एक्स निर्देशांक को, एक्स निर्देशांक को भुज भी कहा जाता है। भुज, ध्यान दीजिएगा, भुजा नहीं, सिर्फ भुज। एक्स निर्देशांक को भुज भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आरोप लिखेंगे वाई निर्देशांक को, वाई निर्देशांक को कोटि भी कहा जाता है। कोटि, कोटि, कोटि भी कहा जाता है। चलिए अभी तो हम लोग समझे कि मूल बिंदु क्या होता है। तो जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं या जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है, और मूल बिंदु से ही सभी दूरियां मापी जाती है। तो यहां पे लिख दिया जाए नेक्स्ट एरो में, ग्राफ में, ग्राफ में सभी दूरियां, सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती है। ग्राफ में सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती है, और ध्यान रहे मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, जीरो जीरो। मूल बिंदु का निर्देशांक जीरो जीरो होता है। जीरो जीरो का मतलब पहले वाला जो आएगा कॉमा के बाद वो हो जाता है एक्स का वैल्यू और ये हो जाता है वाई। ध्यान रहे एक्स अक्ष में चला गया दूरी उसको एक्स निर्देशांक कहते हैं, और वाई अक्ष में चला गया दूरी वाई निर्देशांक कहते हैं। जैसे हमको कोई बोलेगा कि वाई में आपको चार चलना है, तो वाई में हम लोग यहां पे चार चल दिए, तब ये कहलाएगा वाई निर्देशांक। हमको बोलेगा कि एक्स में माइनस तीन चलो, तो एक्स में माइनस तीन इधर यहां चल दिया, तो यहां चल दिया, तो ये कहलाएगा एक्स निर्देशांक। और ध्यान रहे एक नया वर्ड आया जिसको हम लोग भुज और कोटि कह रहे हैं। तो ध्यान रहे हम लोग भुज किसको कहते हैं, तो एक्स निर्देशांक को भुज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा एक्स निर्देशांक को ही भुज कहते हैं, और वाई निर्देशांक का ही दूसरा नाम कोटि होता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए अभी हम लोग और कुछ चीजों को सीखते हैं ग्राफ की सहायता से। तो सबसे पहले अगर आपकी इच्छा है तो इसको ग्राफ में भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर कुछ जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे एक ग्राफ हम खींचते हैं, ये ग्राफ हो गया, और जैसा कि जानते हैं ये कट कर रहा है, तो इसको मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक जीरो जीरो होता है। फिलहाल हम लोग यहां से शुरू करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। ठीक है, अभी आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये एक्स अक्ष है एक्स, और ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश। ठीक है, दो अक्ष है। अब ये दोनों अक्ष में आप देख पा रहे होंगे कि अगर हमें सवाल, पहला सवाल बोला कि आप इस ग्राफ में दो और माइनस चार को दर्शाइए,
तो दो और माइनस चार का मतलब ये हुआ कि एक्स में हमको चलना कितना है, दो। तो एक्स में दो दो पे हम रख लेंगे मार्कर या फिर पेंसिल, और वाई में कितना चलना है, -4, क्योंकि अभी हम बोले कि जो ब्रैकेट करके लिखा हुआ रहता है दोस्तों, उसमें पहले वाला को बोलते हैं एक्स निर्देशांक। तो यहां एक्स निर्देशांक कितना है, दो, और बाद वाला को बोला जाता है वाई निर्देशांक। अच्छा, एक्स निर्देशांक को हम लोग भुज भी कह सकते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि भी कह सकते हैं। यानी कि पहला सवाल दिया दो और -4, तो दो को बोलेंगे हम लोग भुज और -4 को बोलेंगे कोटि। ठीक है, तो अगर हमको 2-4 को ग्राफ में दिखाना होगा तो कहां दिखाएंगे? तो अगर मान लिया कि 2 यहां है, अब 2 पे तो पेंसिल को रख लेना है, अब कहां क्या दिखाना है बाद वाला, -4। तो -4 इससे ऊपर मिलेगा कि नीचे मिलेगा, क्योंकि हमें सबसे पहले तो x निर्देशांक होता है, तो x में जितना नंबर बोलेगा उतना पे आपको पेंसिल रख लेना है। एक्स में दो बोला तो दो पे रख लेंगे। दो पे रखने के बाद इस पेन को या इस पेंसिल को देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग या तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं, नहीं तो नीचे ले जा सकते हैं। इसका दो ही रास्ता है, एक्स में कितना बोल रहे हैं, दो, तो हम दो पे रख लिए। अब वाई में कितना बोल रहे हैं, -4, या तो ऊपर ले, ये जो आप रख दिए यहां पे, तो रखने के बाद या तो ये ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा, लेकिन हमको जाना कहाँ है, -4 पे। तो दो के नीचे -4 होता है, तो दो से चलते आएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, और -4 के सामने, ध्यान रहे, चलते जाएंगे नीचे, और -4 के सामने रुक जाएंगे, इसी को बोलते हैं 2-4। ध्यान है, समझ पा रहे हो ना चीजों को? यानी कि हम लोग कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है इसमें। सॉरी, 8 तो है नहीं, उतना लंबा नहीं खींचे हैं। -2 और 1 को दिखाना होगा तो कैसे करेंगे, -2 और 1, तो एक्स में कितना, -2, और वाई में कितना, 1। तो एक्स में -2 पे हम लोग पेंसिल को रख लेंगे। अब वाई में 1 दिखाना है, तो इससे 1 किधर मिलेगा, नीचे चलना पड़ता है नहीं तो ऊपर चलना पड़ता है, लेकिन ये 1 है तो 1 प्लस में ना ऊपर मिलेगा, तो इसके ऊपर चलते जाएंगे और 1 के सामने आपको स्टॉप हो जाना है। तो 1 के सामने स्टॉप हो गए, ये हुआ -2 और 1। ठीक है, जहां पे -2 को हम लोग बोलेंगे भुज या फिर एक्स निर्देशांक, और 1 को बोलते हैं वाई निर्देशांक। वैसे ही दोस्तों कुछ सवाल है, आप ऐसा ही पॉइंट्स बनाकर ग्राफ में आप दिखाइएगा और हमें सेंड कीजिएगा, भेजिएगा। तो तीसरा सवाल है, 6-4 ग्राफ में दिखाइएगा कि कहां बनेगा, 3-3, 8,6, 3,4, ये सभी को लोकेशन करना है, लोकेट करना है। छठा सवाल, -3-2, 7वां, 8-4, 6वां, 7वां, 8वां, 2,-5, 9वां, 9-6, और 10वां, 4,-3। तो ये 4-3 है। तो आप जितना भी 10 सवाल दिया गया है, इसका क्या करना है आपको, ऐसे ही पूरे ग्राफ में आपको लोकेशन बना देना है कि ये कहां है, ये पॉइंट कहां है, और हमेशा एक्स में पहले वाले नंबर को रखते हैं। जैसे मान लिया एक्स में कितना है, -3, तो हम -3 में पेंसिल को रख लेंगे। अब हम या तो ऊपर चल सकते हैं नहीं तो नीचे चल सकते हैं। अब ये देखिए -2 है तो माइनस रहेगा तो नीचे चलना है, और -2 के सामने रुक जाना है, और उसको गोला घेर देना है और वहां लिख देना है उस पॉइंट को। तो इस तरीके से लोकेट करके इन चीजों को आप भेजेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग इतना ही सीखते हैं, फिर अगले क्लास में आगे की चीजों को पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।